हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सभी स्टूडेंट एंड सभी गार्जियन मेरी बात ध्यान से सुने। आज का युवा जो झेल रहा है, आज के स्टूडेंट जो परेशान है, वो कल के युवाओं को ना झेलना पड़े, इसके लिए आप सभी को एक दूसरे का सहयोग करना होगा। आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं यूपी की भर्तियों को लेकर युवा बहुत परेशान है। कितने सालों में भर्तियाँ पूरी होंगी कुछ कन्फर्म नहीं होता है। कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट जारी होगा, कब ज्वाइनिंग मिलेगी कुछ कन्फर्म नहीं होता है। भर्तियाँ पूरी होंगी या नहीं होंगी ये भी फाइनल नहीं होता है। और कब अचानक भर्तियों को रद्द कर दिया जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को ही देख लीजिए, इन सब भर्तियों को लेकर स्टूडेंट बहुत परेशान हैं। तो आप सभी को एक दूसरे का सहयोग करना होगा। यूपी ट्रिपल एससी के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर सभी को आना होगा। तो आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे जानते हैं और ये सब चीज़ वही समझ सकता है, इस सब बातों को वही समझ सकता है जिसने कंपटीशन की तैयारी की हो। तो अब डिजिटल इंडिया है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर रहकर ही तैयारी कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद जाकर तैयारी करना पड़े, आप घर पर रहकर ही तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आपको घर पर रहकर जो सुविधा मिलेगी वो सुविधा आपको बाहर नहीं मिलेगी। आप कितना भी पैसा खर्च कर लेंगे, आप उसका दोगुना तिगुना कितना भी पैसा खर्च करेंगे, लेकिन आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी जो आपको घर पे मिलेगी। आप बाहर जाएंगे तो आपको काम भी बहुत रहेगा, आप अपने पढ़ाई में भी उतना टाइम नहीं दे पाएंगे और आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो स्टूडेंट बाहर रह रहे हैं वो स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि बाहर रहकर कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए आप अपने घर का ही माहौल वैसा बनाएं कि आप घर पर रहकर तैयारी कर सकें। आप यदि तैयारी करना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, तो आप एक बार ऑफलाइन तैयारी कर लीजिए, कोचिंग कर लीजिए, इसके बाद घर पर रहकर ही तैयारी करें। क्योंकि आप भी जानते हैं क्योंकि भर्तियां एक साल में पूरी होती नहीं है, अब भर्तियों में कई साल लग जाते हैं और हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बाहर रहकर कई साल तैयारी कर सके। तो आपको अब इतनी सुविधा है कि आप घर पर रहकर ही सभी की तैयारी कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, सभी की कोचिंग कर सकते हैं, इसलिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर स्टूडेंट बहुत परेशान है, इसलिए सभी युवाओं को, सभी छात्र छात्राओं को एक साथ आना है, एक प्लेटफॉर्म पर आना है, अपनी मांग को रखना है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर युवा बहुत परेशान हो गया है। इसके बाद अब देख लीजिए पीटी को लेकर भी स्टूडेंट बहुत परेशान है। पीटी के लिए लाखों की संख्या में स्टूडेंट आवेदन नहीं कर पाए थे, इसके बाद भी युवाओं की बात को नहीं सुना गया है और आज भी नहीं सुना जा रहा है। तो आयोग युवाओं की बात नहीं सुनता है, युवाओं की बात को नहीं माना जाता है, युवा मानसिक रूप से बहुत परेशान है, कोई भी भर्ती पूरी नहीं कराई जाती है, ना ही ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो स्टूडेंट एक दूसरे का सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।